आईफ्लू कंटेजियस होता है, लेकिन सबसे बड़ा मिथ है कि ये देखने से फैलता है, ये देखने से नहीं फैलता। आईफ्लू में जो कीटाणु होते हैं, जो हमारे आंखों के सेक्रीशंस में होते हैं, जिसको आईफ्लू हुआ है अगर वो आंखों को रब करते रहता है कॉन्स्टेंटली, और वो गंदे हाथों को चीजों को टच करता है, और आप भी उसी चीज को टच करके दूसरा अपने आंख को हाथ लगा देता है, तो ऐसे ये फैलता है। तो बेसिकली वो कंटामिनेटेड सेक्रीशन से कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। Hello everyone, this is Hidushi and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about iFlu. iFlu बहुत ही ज़्यादा इस टाइम बढ़ रहा है और लोगों के मन में काफ़ी सवाल है और बहुत से मिथ्स भी जनरेट हो रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है, और इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति मनोधने। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है आज शो में। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी गुड विदुषी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू सो मच मैम। मैम आई फ्लू बढ़े जा रहा है और लोगों के बहुत ही ज्यादा सवाल आ रहे हैं सामने और बहुत से मिथ्स भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले ना मेरी माइंड में जो सवाल है वो यही है कि ये इतना अचानक से आकर एकदम से फैल क्यों रहा है। देखिए आई फ्लू जो आम भाषा में आप जिसको कहते हो आंख आना, जो एक्चुअली कंजंक्टिवाइटिस होता है, और अभी जो आई फ्लू फैल रहा है वो मेनली वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। कंजंक्टिवाइटिस भी अलग अलग टाइप्स का होता है, बट जनरली अचानक अभी बहुत सीवियर हैवी मानसून्स के बाद फ्लडिंग के कारण, वाटर कंटामिनेशन के कारण और वेदर चेंजेस के कारण जो हो रहा है वो अभी वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जो आई फ्लू स्प्रेड हो रहा है। जनरली मानसून्स के सीजन्स में बढ़ता है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही तादाद में देखने को आ रहा है, एंड नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर, ऑल ओवर द कंट्री देर आर आउटब्रेक्स ऑफ दिस कंजंक्टिवाइटिस। एंड मैम अगर कॉसेस की बात करें तो व्हाट आर द कॉसेस ऑफ दिस फ्लू? तो वही जो अभी का जो फ्लू है मेनली वो वायरल स्ट्रेन है, तो मेन कॉज है कंटामिनेटेड वाटर, वेदर चेंज, प्लस वायरल फीवर, सोर थ्रोट, कोल्ड कफ के बाद भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो पोस्ट वायरल फीवर भी जो वायरल इन्फेक्शन होता है, एडिनो वायरल स्पेशली, वो आँख में आई फ्लू बोल के मैनिफेस्ट हो सकता है। जनरली मोस्टली जो माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग आई फ्लू होता है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है, लेकिन कभी कभी वो बढ़ने से या उस पर बैक्टीरियल और इन्फेक्शन होने से गीड़, चिपचिपापन भी आ सकता है और वो सीवियर फॉर्म भी हो सकता है। ओके, एंड मैम अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमें कैसे पता लगेगा कि आई फ्लू हो गया है या फिर होने वाला है? तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर किसी को अचानक आंख में लाली, गड़न, चुभन या फॉरेन बॉडी सेंसेशन से लगने लगे, पानी के साथ साथ गीड़ भी आने लगे, तो ये सारे आई फ्लू के लक्षण होते हैं। ऑल्सो अगर उनको पिछले कुछ दिनों में कभी फीवर, सोर थ्रोट हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, या वो किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिसको आई फ्लू हुआ है, तो और ये सिम्टम्स उनको कुछ दिनों में होते हैं, तो ये सारे आई फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। मैम बहुत से ना आई फ्लू को लेकर ऐसे मतलब हम ये मिथ्स है नहीं, ये आप बताना, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर उसको देख लिया जिसको आई फ्लू है तो आपको भी आई फ्लू हो सकता है, लेकिन कंटेजियस होता है? आई फ्लू कंटेजियस होता है, लेकिन सबसे बड़ा मिथ है कि ये देखने से फैलता है, ये देखने से नहीं फैलता। आई फ्लू में जो कीटाणु होते हैं, जो हमारे आंखों के सेक्रीशंस में होते हैं, जिसको आई फ्लू हुआ है अगर वो आंखों को रब करते रहता है कॉन्स्टेंटली, और वो गंदे हाथों को चीजों को टच करता है, और आप भी उसी चीज को टच करके दूसरा अपने आंख को हाथ लगा देता है, तो ऐसे ये फैलता है। तो बेसिकली वो कंटामिनेटेड सेक्रीशन से कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है, तो देखने से ये नहीं फैलता। सबसे इम्पोर्टेंट ये मिथ ब्रेक करना जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आंख किसी की अगर आ रही है, अगर उसको आई फ्लू हो रहा है और हम उसको देखेंगे तो आपको भी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको करके हम इस प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह कंटेजियस है और बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, लेकिन सेक्रीशन से, इन्फेक्टेड कीटाणु से कॉन्टैक्ट में आने में होता है। तो अगर किसी को आई फ्लू है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है हैंड हाइजीन। अगर किसी को आई फ्लू है तो वो अपने आप को बाकी घर वालों से थोड़ा सा आइसोलेटेड रखे, अपने तौलिए, रुमाल, सारे जो चीज़ें हैं उनको अलग रखें, दूसरे लोग उसे ना इस्तेमाल करें, लगातार रेगुलरली अपने हैंड्स को वॉश करें, आपको ना मलें, और अगर आपका सेक्रीशंस पहुँचते हैं तो वो टिश्यू, तौलियों को डिस्कार्ड करके अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। उसी तरह अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपके घर में किसी को हुआ है, आप बचाव के लिए अगर बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर कैरी करिए,
और बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप कहीं बाहर ऐसे पब्लिक एरिया में हैं तो अपने हाथों को बराबर साबुन और पानी से धोएं और ऑफ कोर्स चीजों को ज्यादा टच करने से रेफ्रेन करें जो आपके सराउंडिंग्स को फेमिलियर ना हो, क्योंकि बहुत से लोग पब्लिक प्लेसेस में उसी चीज को टच करते हैं, आप टच करते हैं और अपनी आंखों को रब करेंगे, दैट्स हाउ इट विल स्प्रेड। और अभी के जो स्ट्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेडिंग है। अब वायरल की खासियत यह कि बहुत सी बार म्यूटेट हो जाता है, हर साल मंसूर में आता है, बट अभी के जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेडिंग है और इसीलिए ये एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। एग्जैक्टली मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे जब आई फ्लू होता है तो हम गॉगल्स पहन लेते हैं, चश्मे पहन लेते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप देख कर तो नहीं होगा, तो व्हाट इज द रीजन? और ये भी जानना चाहूंगी कि जिनकी आई साइट ऑलरेडी वीक है जैसे मैं हो गई, तो ये चांसेस आई फ्लू के आपको चश्मा है या नहीं है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बॉडी की इम्यूनिटी से और आपके हैंड हाइजीन या साफ सफाई की हैबिट्स पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आप रेगुलरली अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, कंटेमिनेशन से बचाए रख रहे हैं, तो घर में भी किसी को है लेकिन आप प्रिकॉशंस ले रहे हो तो वो नहीं फैलेगा। दूसरी चीज, चश्मा पहनने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी लाइट सेंसिटिविटी भी होती है, अगर किसी को ऑलरेडी आई फ्लू है उसको लाली और दर्द के कारण लाइट से थोड़ी दिक्कत होती है, प्लस अगर आपने कोई तरह के प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहने तो आप बार बार आपको नहीं छूओगे तो एक तरह का बैरियर बोल के वो सर्व करता है। तो एक तो वो लाइट सेंसिटिविटी से बचाएगा और बैरियर की तरह सर्व करेगा। तो अगर किसी को आई फ्लू होता है उसको इसीलिए बोलते हैं कि आप चश्मा पहनो ताकि आप बार बार हाथ को आपके पास नहीं ले जाएंगे। मतलब वो ठीक होने लगता है, लेकिन अगर किसी को आई फ्लू के लक्षण आते हैं सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें, सामान वगैरह को अलग कीजिए, घरेलू नुस्खों में आप कोल्ड कंप्रेसेस या बर्फ को रुमाल में लपेट के सिकाई कर सकते हैं या टी बैग्स को ठंडा करके अपनी आंखों पर रख सकते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो वॉश हो जाए। लेकिन अगर आपकी आंख में लाली हो रही है और कीचड़ या गीड़ आ रहा है तो कृपया सेल्फ मेडिकेट ना करें, जल्दी से जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें, क्योंकि अगर ये बढ़ता है, अगर हल्की फुल्की लाली है एक दिन में ठीक हो रही है तो ठीक है, लेकिन नहीं हो रही है तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि इंफ्लेमेशन को रोकने के लिए डीकंजेस्टेंट्स और कुछ केसेस में स्टेरॉइड्स की भी जरूरत पड़ती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। आपको कौन सा आई फ्लू है ये आपकी सीवियरिटी पे डॉक्टर डिसाइड करेंगे और फिर आपको अकॉर्डिंगली दवाइयां देंगे, तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेट ना करें और अगर बढ़ता है दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लेट किया तो वायरल इन्फेक्शन आपकी पुतली को भी डैमेज कर सकता है, उसके लॉन्ग टर्म में निशान भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जाकर ट्रीटमेंट सीख करना सीवियर केसेस में जरूरी है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अगर आई फ्लू को टाइम से अगर मेडिकेट नहीं हुआ, अगर डॉक्टर के पास आप नहीं गए और आपने घर में ही करते रहे, सोचा कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी उसका बहुत ही गलत हो सकता है। मैम, अभी जैसे आई फ्लू बढ़ रहा है और लोग अभी दवाई ले रहे हैं और अभी उनका ठीक हो रहा है, तो ऐसा भी होता है कि उन लोगों को आने वाले टाइम में ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आई फ्लू के, या फिर ये अभी है जो है? देखिए, अभी जो आई फ्लू है जरूरी नहीं है जो वायरल स्ट्रेन अभी फैली है वो सेम रहे अगले साल भी, बट आपको अभी आई फ्लू हो गया तो वापस नहीं होगा कभी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। अभी की जो वायरल स्ट्रेन है अगले साल जो बारिश के टाइम फैलती है या मानसून सीजन में होती है, वायरस अपने आप को म्यूटेट करते रहता है, तो वो स्ट्रेन पे डिपेंड करता है वो कितनी सीवियर है कितनी माइल्ड है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि किसी को वापस हो या ना हो। बट एक और चीज़ है कि अभी वायरल इन्फेक्शन हुआ है फ्लू और आपने दवाइयाँ डाली, तो ये नहीं कि 4-5 दिन डाल के बंद कर दी, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है 2-3 हफ्ते डालनी है तो उसे डालनी है, क्योंकि अगर आप उसको बीच में भी छोड़ देते हैं तो वो रिकर करने के चांसेस होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया अगर ज़्यादा सीवियर हो पुतली पे निशान पड़ने का रिस्क लॉन्ग टर्म में पिछले अगले 2-3 हफ्ते 1 महीने तक भी रहता है,
तो आपको दवाइयों को धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह के हिसाब से टेकअप करना चाहिए। बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली मैम, बीइंग अ डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी कि अभी लास्ट कुछ दिन से हम सुन रहे हैं बहुत टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं, तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे होंगे, तो अभी कोई ऐसा केस आया जो आपको लगा हो कि अगर इसको टाइमली रिकवर कर लेते तो अभी इतनी प्रॉब्लम ना होती? देखिए, बहुत सी बार जो अर्ली केसेस होते हैं और प्रेजेंट कर जाते हैं तो उनको माइल्डर मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो सीवियर केसेस आते हैं रिकवर तो सभी हो जाते हैं लेकिन उनकी ट्रीटमेंट भी लंबी चलती है और पेशेंट ऑलरेडी बहुत डिस्कम्फर्ट में होता है और उनकी इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने के कारण दूसरों में भी वो फैलने का डर होता है। तो आई फ्लू ईजिली ट्रीटेबल बीमारी है, अगर आप टाइम से आ जाओ, अगर आप लेट आते हो तो आपकी ट्रीटमेंट भी लंबी चलेगी और पेशेंट को भी सफर करना पड़ेगा और उसके दूसरे सीक्वेले भी हो सकते हैं। ऑलमोस्ट विद इन से 50% ऑफ ओपीडी और 60% ऑफ ओपीडी पेशेंट्स कमिंग राइट नाउ आर ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, तो ये इतना फैलावा है। और बहुत सी बार इन वायरल इन्फेक्शन के साथ और भी कोई कीटाणु होते हैं जैसे हम माइक्रोस्पोरिडिया कहते हैं उसे, वो भी देखने को मिलते हैं, हालांकि वो 10% से भी कम पेशेंट्स में होता है। तो इसीलिए आपको आई फ्लू है कि कुछ और बीमारी है अगर बढ़ता है तो कृपया जाके दिखाइए, घर बैठे उसका इलाज ना करने की कोशिश कीजिए, हैंड हाइजीन को मेंटेन कीजिए, अगर आपको आई फ्लू है तो क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, पब्लिक स्विमिंग पूल्स को अवॉइड करें क्योंकि ये फैलेगा। ओके मैम, मुझे लगता है कि हमारी जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी आई फ्लू को लेकर, साथ ही मैं कंक्लूड करना चाहूँगी इंटरव्यू, और जाते जाते ही मैं आपसे कुछ एडवाइसेस, कुछ टिप्स जानना चाहूँगी कि जिनको आई फ्लू हो गया है वो कैसे स्ट्रेंथ बनाए रखें और जिनको नहीं हुआ है और उनको ना ही हो तो अच्छा है। तो जिनको आई फ्लू हो गया है और वो अपनी रिकवरी फेज में हैं थैंकफुली, तो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करें लेकिन हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, और जिनको नहीं हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट रूल टू स्टे हेल्दी एंड सेफ इज वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, सैनिटाइज योर हैंड्स, एंड अगर आप पब्लिक प्लेसेस जा रहे हो तो अपने साथ सैनिटाइजर कैरी कीजिए और अपनी आंखों को बार बार ना रब करें। ओके एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू, थैंक यू सो मच।